Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुलखान, इस कायनात में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो समझता हूँ हर इंसान एक आईना है, जैसा वो खुद होगा सामने वाला भी उस पर नजर आएगा। यार सरमद भाई, अगर आप इतनी मुश्किल बातें करोगे तो फिर हमारा और आपका दोस्ती भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, बहुत आसान बातें हैं। आपके लिए आसान होगा हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। ओ छोटे, एक कप चाय ला मलाई मार के। नहीं गुलखान, कोई इतनी मुश्किल बात क्यों है? आपके वास्ते आसान होगा भाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लिए चाय बनाना ये तो आपका मेहरबानी है। वो क्या बोलते हैं, एक और लफ्ज है, जरा नवाजी। हाँ जरा नवाजी। यार आप तो टीचर है, आपका तो इलम बहुत ज्यादा है। वैसे सरमद भाई, हम अपना उर्दू अच्छा करना चाहते हैं, हम भी गालिब का तरह शेर लिखना चाहते हैं। गालिब मतलब के असली वाले गालिब? हाँ यार वही बिल्कुल। नहीं क्यों नहीं, आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और चाय लाने में तूने इतनी देर लगा दी, हमको तेरे बाप के नौकर हैं यहाँ बैठे रहे। ओए ये टेबल कौन साफ करेगा, तेरा बाप साफ करे से। क्या मसला है, टेबल साफ नहीं कर रहा है? क्यों साफ कर टेबल? मेरा हाथ पकड़ता है जानता मैं कौन हूं? सालिम का हाथ पकड़ना हर एक का मकसद है। हाथ नीचे कर, उस जिला इस पिस्तौल से डराते है। हमारा बाप ने जिंदगी में जो हमको पहला खिलौना ला कर दिया था, वो तुम्हारे इस पिस्तौल से ज्यादा बड़ा बंदूक था। हाथ नीचे कर। इज्जत क्या होती है ये मैं तुझे बताता हूँ। गुलखान, इस बेचारे ने कभी स्कूल देखा भी नहीं होगा, इसे क्या पता कि दूसरों की इज्जत कैसे होती है। मैं तुझे बताता हूँ इज्जत क्या चीज होती है। कौन हो तुम? नीचे कर, नीचे कर कर। ये हमारा मोहल्ला और हम यहाँ पर किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। हम सब में यहाँ पे बहुत इत्तेफाक है। देख लूंगा मैं तुझे, याद रखना। किस किस्म के लोग? जाओ बेटा आगे काम करो। शाबाश। गुलखान भाई कौन था ये? पता नहीं यार, बदमाशी करने आते हैं ये लोग। आप प्लीज बैठे। आप तो कहते हो हर इंसान एक आईना होता है, ये फिर कैसा आईना था? गुलखान, कुछ आईनों पे घर चलनी होती है, उसको सिर्फ इल्म साफ कर सकता। यार फिर मुश्किल बात कर दी है तुमने। ये सरमद भाई है, उस्ताद जी का नया किराएदार है। सरमद भाई आप घबराइएगा, हम आपके साथ। थैंक यू। और वैसे भी एक होने में ही ताकत है। आप लोग बैठो, हम आप लोगों के लिए चाय लाते हैं। Thank you.
सारे गा नहीं सकते। क्या मतलब उस्ताद जी? गाना सारों का काम नहीं है, और कुछ लोगों से गाना इतना दूर है जितना उस्ताद जी, जितना यहाँ से अमेरिका। अमेरिका? अमेरिका तो यहाँ से बहुत दूर है। शुक्र है तुम्हें ये तो पता चला कि गाना कितना दूर है। लेकिन उस्ताद जी, मैं तो आपके लिए ना बड़े प्यार से ये बना के लाई हूँ, मटन मसाला। अरे मरवी, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ओए होए, बड़ी मजबूत पेशकश है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सुरीली खुशबू है। खुशबू बता रही है कि क्यों सुचल है। कर जाके अपनी पकाने वाली मासी के हाथ चूम लेना। खानसामा है उस्ताद जी। फिर रहन देना, अगर तुम्हारा नेश खानसामा इसमें थोड़े से करेले डाल देता तो खान साहब की जिंदगी बन जाती, मजा आ जाता। अच्छा उस्ताद जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ आइंदा ख्याल रखना, आइंदा ख्याल रखना। अगर इसी तरह ख्याल रखती रही ना, एक दिन तुम बड़े सगीर की बहुत बड़ी गुलकारा बन जाओगी। सच? भाई अब क्लास खत्म और खाबे का प्रोग्राम शुरू। अब करेंगे लंच, तुम तो घर जाके खाओगी ना? हाँ मैं घर जाके खा लूंगी, लेकिन एक बार ट्राई कर लूं। क्या? गाना। हाँ 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 हाँ, गाओ 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 गाओ, खूब गाओ। सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा। दिल नादान की बेखुदी तो है, दिल नादान की बेखुदी तो है। बेटा खाने के बुला रहे हैं साहब, आप चले, मैं आ रही हूं। अच्छा अम्मा भी, क्या पहले के जमाने में भी ऐसा ही होता था? नहीं बेटा। क्यों फिर आप क्यों? असल में बेगम साहिबा, हमारे वक्तों में ना बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता था, तो वो भी हमें बुढ़ापे में नहीं छोड़ के जाते। अम्मा भी, अब सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, क्योंकि जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जो दिल चाहे बोलेंगी। मैं माफी चाहती हूँ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है बेगम साहिबा, इसी में सारे सवालों का जवाब है। आप क्या समझती हैं? मुझे अपने बेटे से मोहब्बत नहीं? एक बात कहूं बेटा, सिर्फ मोहब्बत होना ही काफी नहीं होता है, मोहब्बत अपने होने का सबूत मांगती है बेटा। जो बगैर खुशबू वाले फूल जो सिर्फ खिलते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती, खुशबू के बगैर वो अधूरे रहते हैं।
एक गुजारिश आपसे। जल्दी हाथ चलाओ ना, कहीं ऐसा ना हो बारात मेरे बगैर ही चली जाए। नहीं जाती तुम्हारे बगैर बारात, और अगर जल्दी मचाई मैंने तो तुम कहोगी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, लेकिन प्लीज जरा जल्दी करो, आईज मेकअप ठीक लग रहा है मेरा। तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही, वो किचन में कुछ बना रही थी, अभी तो यही कर रही थी। बेटी भी तो है ना, मुन्नी को भी तो साथ साथ देखती है वो। अच्छी लग रही हो ना? बहुत। तुम कहो तो मैं उसकी मदद कर दूं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो। अच्छा सुनो, ये झुमके जो है ये इसके साथ अच्छे लग रहे हैं ना सूट के साथ? हाँ, एक सेकंड। अकेली है बेचारी, क्या क्या करेगी। मैं मुन्नी को संभाल लेती हूँ। नहीं नहीं वो देखो आ गए। अम्मी मैंने खाना बना दिया है, मैं जरा मारुख की तरफ होकर आती हूँ। हाँ जाओ, मगर खैरियत से जा रही हो? अम्मी वो उनके नए किरायेदारों की एक बेटी है, बहुत मजे मजे की बातें करती है, आपको क्या बताऊं, मैं उससे मिलकर आती हूँ। ऐसी क्या बात है उस बच्ची में? मैं लाऊंगी उसे, आप खुद मिल लीजिएगा। हाँ बेशक जाओ, उन्हीं को मुझे दे दो, मैं बस यहाँ फारिग हूँ तकरीबन। लाओ, जब तक मैं पकड़ लेती हूँ थक जाओगी ना। अम्मी मैं इसे अपने आप से दूर नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। अच्छा मैं जा रही हूँ। लग गई हो, इधर देखो ना ये मेरा हेयर स्टाइल। हाँ हाँ बहुत ठीक ठीक लग रहा है, बस एक तरह मुझे। वैसे आज तो मैं माहिरा खान से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? माहिरा खान और तुम। ऐसा भी क्या कि माँ को भी देकर नहीं गई? नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें याद नहीं है किसी कलमोई ने उसको अगवा करने की भी कोशिश की थी उससे? कैसे बदबخت लोग होते हैं जो अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां बर्बाद करते हैं। हाँ भाई आप रेडी हैं? बारात नहीं निकल जाएगी अब? जाना है, लेकिन देखो ना परफेक्ट लग रही हो ना। बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर पैसे जो है ना वो मैं तुम्हें कल दे दूंगी, ठीक है? ठीक है। ओके अच्छी लग रही हो ना? बहुत। ओके पैसे कल दे दूंगी। तुमने भी कुछ कराना है जमीला? नहीं नहीं। अरे क्यों यहाँ पे आ गए तुम? यार आज एक्चुअली ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैंने बोला चाय पीता हूँ, चल आजा चाय पीते। नहीं यार मुझे बहुत देरी हो रही है। अबे ओ भाई तुम लोग इधर खड़ा रहेगा बातें करेगा तो हमारा चाय कौन पिएगा? चलो आओ। कुलखान भाई बहुत देर हो रही है। देर देर नहीं, चलो चाय प्याले पियो फिर जाओ। चलो चलो अब बात सुनो, दो अच्छा चाय बनाना ठीक है, ये उस तरफ रखो हमने बोला, उधर रख। तुम लोगों को पता है आज हम तुम लोगों को चाय मुफ्त में पिलाएगा। मुफ्त में? खान साहब कोई प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही है क्या? वो क्या होता है गुलखान भाई? ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, कभी कभार कुछ चीजें मुफ्त में देते हैं, उसे प्रमोशन कहते हैं। ना पापा हमारा कंपनी अभी बहुत छोटा है। एक मिनट खान साहब, अगर शेर सुनाओगे ना तो मैं चाय के पैसे दूंगा। हम फिर भी शेर सुनाएंगे, बिल्कुल ताजा है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त होगी। वो शर्त ये कि आपके शेर के अंदर गुल नहीं आए। गुल के बगैर फिर कैसे शायरी होता है यार, छोड़ो ये ना करो अजान भाई। चलो ठीक है तुम बोलते हैं तो हम ट्राई करते हैं। चले तो अर्ज किया है अब हम न रहे किसी काम, हम न रहे किसी काम के, जब शायरी हो गई बगैर गाफलाम के। वाह वाह वाह, लेकिन ये गाफलाम का मतलब क्या होता है? गाफलाम? अरे गाफलाम का मतलब गुल। हाँ
अच्छा अजदान भाई, आप उस्ताद जी के पास जा रहे हो ना? हाँ अभी मैं जाऊंगा। तो हमारा एक पैगाम उसको दे देना। हाँ बताएं। बस उसको ये बोलना है कि वो जो लड़के वाला लोग आया था ना रिश्ता लेकर, उन्होंने आज हमको बुलाया है, बल्कि अभी बुलाया है, तो वापसी पर आकर फिर हम उस्ताद जी को उनका मर्जी बता देगा। ठीक है? ये चाय वाला किधर गया यार? तू कहाँ खो जाता है यार? कहने